दंतेवाड़ा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का दंतेवाड़ा पहुंचने का दौरा शुरू हो गया है। चुनाव प्रचार के लिए कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेसी और भाजपा के साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी भी अपने 5 दिवसीय प्रवास पर पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा के गीदम में। चुनावी सवाल लेने से पहले अजीत जोगी सर्किट हाउस में पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की। अजीत जोगी ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा ये कयास लगा रही है कि अजीत जोगी चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे, लेकिन ये उनका भ्रम है। जोगी ने कहा कि हम दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी और उनके पारिवारिक संबंध हैं, ऐसे में उनकी सहानुभूति वोट पर कुछ कहना गलत होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से उनके प्रत्याशी सुजीत कर्मा काफी पढ़े लिखे हैं। अगर स्थानीय पुलिस दबाव के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करेगी तो हम न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत करके श्री मोहन मरकाम और जो जो लोग हैं, तरुण देवांगन हैं और भी लोग हैं, उन पर इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत कार्रवाई और चुनाव आयोग के अंतर्गत कार्रवाई, जिससे वो आगे चुनाव न लड़ सके, ये दोनों कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं।